Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Mera naam Imran Ahmed hai aur main aapka computer science ka teacher hoon. Students, aaj hum grade 7 ka unit 9 dekhenge. Agar aapko previous lecture yaad ho to humne unit 9 ke andar formatting ko start kiya tha ki cells ke andar formatting kaise ki jati hai. Students, aaj kuch aur options dekhenge formatting se related jo Microsoft Excel ke andar hum log use kar sakte hain. To students, aaiye fir aaj ka lecture formally start karte hain. हमारा यूनिट नंबर 9 है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. लास्ट टाइम मैंने इसको स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी. उसके साथ मैंने ये बताया था कि आप जो है वो सेल्स के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं. मीन हम टेक्स्ट के अंदर या फॉन्ट को हम चेंज करना है, हमने टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके अंदर हमने अगर बॉर्डर को चेंज करना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये चीज़ें हमने करके देखी थी. आज कुछ और ऑप्शंस की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मेटिंग की जो डेफिनेशन है वो फॉर्मली आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड दोबारा से रिफ्रेश हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मेटिंग इनफेक्ट होती क्या है. अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, बॉर्डर पैटर्न, अलाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर शामिल होती हैं. आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ें जो है वो करेंगे, मीन कौन से फंक्शन हम परफॉर्म करके देखेंगे. सबसे पहले है हाउ टू एड अ बैकग्राउंड इमेज टू एक्सेल शीट. फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सेल शीट के अंदर कोई टेक्स्ट मेंशन किया हुआ, उसके बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई इमेज शो करवाना चाहते हैं, तो कैसे उसको आप ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में आज आपको सबसे पहले बताऊंगा. ये ऐसे ही कि अगर आपने ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर, अभी इसके बैक के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोगों को वाइट कलर नजर आ रहा है, लेकिन मैं अगर ये चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई आपको जो है वो इमेज नजर आए, तो वो इमेज कैसे नजर आएगा, वो इमेज है मैं आपको बताऊंगा कि वो इमेज कैसे आपको दिखाई देगा यहाँ पे. उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ऐड थीम्स टू एक्सेल शीट्स. स्टूडेंट्स, थीम आप लोग मोबाइल फोन्स के अंदर यूज़ करते होंगे, आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी थीम्स मौजूद होती हैं, इसी तरह आपकी एक्सेल की जो शीट होती है उसके अंदर भी थीम्स मौजूद हैं. आप उसमें से कोई भी थीम जो सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट कर सकते हो. हाउ टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन एक्सेल शीट. अगर आपने क्लिप आर्ट या कोई आपने स्मॉल इमेज ऐड करना है किसी भी जगह पर एक्सेल शीट के अंदर, तो वो भी ईजिली कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसके अंदर और बैकग्राउंड इमेज के अंदर डिफरेंस है. बैकग्राउंड इमेज का मतलब है कि कंप्लीट जो आपकी शीट होगी उसके बैक पे जो वो इमेज शो होगा. क्लिप आर्ट है कि आपके शीट के किसी भी एक हिस्से के ऊपर आपको वो इमेज नजर आएगा. तो इस तरह ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर डिफरेंस है. देन हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट इन एक्सेल शीट. तो ये काम हम आज करके देखेंगे. स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज टू एक्सेल शीट, कि कैसे इसको हम ऐड करेंगे. मैं यहाँ आपको स्टेप बता देता हूँ. आपको आप लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको ओपन करें और जो स्टेप मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो स्टेप आप लोग यूज़ करके देखें. लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस वक्त मौजूद नहीं है तो इन फ्यूचर उसको आप ज़रूर जो है वो करके देखिएगा. मीन ये तमाम स्टेप्स जो है इनको जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी. तो फ्रेंड्स, इसको आपने याद रखना है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे. आपके सामने शीट जो है वो नज़र आ रही है, उसके टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने कोई मेंशन किया हुआ है, आपको डाटा नज़र आ रहा है. आप डाटा खुद से भी लिख सकते हैं, इसी डाटा को आप जो है वो कॉपी करके अपने पास लिख सकते हैं. अब फ्रेंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टॉप के ऊपर आपके पास पेज लेआउट का एक टैब मौजूद है रिबन के ऊपर, आपने उसको क्लिक करना होता है. तो फ्रेंड्स, जब आपने उसको क्लिक किया पेज लेआउट का टैब, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है बैकग्राउंड की. पेज सेटअप का जो ग्रुप है उसके अंदर बैकग्राउंड की ऑप्शन है, क्योंकि आपने पेज के जो पेज आपको नज़र आ रहा है, मीन जो आपको शीट नज़र आ रही है उसके बैकग्राउंड पे आपने इमेज ऐड करना है. तो इसका मतलब है कि पेज सेटअप का जो बैकग्राउंड की ऑप्शन है आपने उसको सिलेक्ट करना है. तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होगी. देन आप क्या करेंगे, आपका जो शीट बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा. उसके अंदर स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि आपके पास कोई पिक्चर लाइब्रेरी हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑलरेडी, उसके अंदर कोई पिक्चर्स मौजूद हों, आप यहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मीन कोई अपना इमेज ऐड करना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर पर कहीं पर स्टोर है, तो आप स्टूडेंट्स वो काम भी कर सकते हैं. उसके लिए सिर्फ आपको करना पड़ेगा कि आपको पाथ है उस पाथ से वो जो वो इमेज उठाना पड़ेगा. यहाँ बाय डिफॉल्ट जो पाथ होता है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो पिक्चर लाइब्रेरी है उसी का होता है, वहाँ से आप जो वो इमेज उठा सकते हैं. यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप ये काम कर सकते हैं. देन आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे इमेज को. देन इंसर्ट की ऑप्शन है बॉटम के ऊपर, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है उसमें जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है, जो आपने डाटा लिखा था, उसकी बैक के ऊपर आपको कंप्लीट शीट के ऊपर वो स्पेसिफिक इमेज जो है वो नज़र आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं. तो ये काम आप अपने कंप्यूटर पे भी करके देखिएगा, डिफरेंट इमेजेस को ऐड करके देखें और वो इमेजेस भी ऐड करें जो आपके कंप्यूटर में किसी और जगह पर सेव है. तो फ्रेंड्स, इस तरह आप बैकग्राउंड इमेज को एक्सेल शीट के अंदर ईजिली ऐड कर सकते हैं.
अब सर थोड़ा सा इसमें ये होता है कि आप ये सोचने की बात है कि इसको क्यों ऐड किया जाता है। इनफैक्ट हम अपनी एक्सेल शीट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, देखने में अच्छी लगे, बेहतर लगे, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऐड ना कीजिएगा फिर। सो अब सर हम बात करते हैं हाउ टू ऐड थीम्स टू एक्सेल शीट्स, एक्सेल शीट्स के अंदर हम थीम्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी जो पहला स्टेप है आपका, आपने पेज लेआउट जो रिबन के टैब में मौजूद है उसको क्लिक करना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर थीम्स की ऑप्शन मौजूद है, जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन एक मेन्यू जो ओपन हो जाएगा, इस पर डिफरेंट थीम्स की ऑप्शंस आपको जो अवेलेबल होंगी, आप इसमें से किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो थीम आपकी फिर ऐड हो जाएगी शीट के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स जो थीम मैं यहाँ पे ऐड करूँगा आप उससे डिफरेंट थीम जो है वो यूज़ करके देखिएगा जरूर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि थीम जो है वो कैसे इफेक्ट करती है आपकी शीट्स के ऊपर। तो इस तरह आप थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर हमने इंसर्ट करना हो क्लिप आर्ट अपनी एक्सेल शीट के अंदर तो हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। अगेन स्टार्ट करते हैं कि स्प्रेडशीट आपने ओपन ऑलरेडी हमने की हुई है, आप अपने उससे क्लिप आर्ट इमेज जो ऐड करना है, तो आपके पास इंसर्ट का जो टैब है रिबन के ऊपर आपने उसको यूज़ करना है, क्योंकि आपने क्लिप आर्ट जो उसको इंसर्ट करना है, इनफैक्ट किसमें, एक्सेल शीट के ऊपर। तो इंसर्ट का जो टैब है उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इंसर्ट के बाद आपके पास क्लिप आर्ट की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगी इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो क्लिप आर्ट की ऑप्शन है उसको आपने फिर यूज़ करना है। जब उसको आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो फिर क्या होता है, आपके पास जो है वो क्लिप आर्ट जो ओपन हो जाते हैं अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो पिक्चर लाइब्रेरी वहाँ से। लेकिन आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी कोई अगर पिक्चर सेव है आप वो यहाँ पे जो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो पाथ यूज़ करते हुए वो पिक्चर यहाँ पे ऐड इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्लिप आर्ट को भी ऐड कर सकते हैं किसके अंदर, अपनी शीट के अंदर, और इस तरह आपकी शीट जो मोर अट्रैक्टिव बन जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इनको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने इंसर्ट करना वर्ड आर्ट टेक्स्ट के अंदर, वर्ड आर्ट टेक्स्ट इन एन एक्सेल शीट, तो आप कैसे इसको ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि बैकग्राउंड इमेज को एक्सेल शीट के अंदर कैसे ऐड किया जाता है, वो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमने बात की कि ऐड करना है हमने थीम्स को, फिर हमने बात की कि क्लिप आर्ट को हमने ऐड कैसे करना है। लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर आपने इंसर्ट करना वर्ड आर्ट टेक्स्ट को इन एन एक्सेल शीट तो आप कैसे कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई आपके बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगेन इंसर्ट का जो आपका टैब है आपने उसको यूज़ करना है। इंसर्ट के टैब के अंदर आपके पास वर्ड आर्ट की जो ऑप्शन मौजूद होती है आप क्या करते हैं उसको फिर यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के बाद आपके पास डिफरेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को जब जैसे जो भी आपने वर्ड आर्ट की ऑप्शन क्लिक करनी है वो वर्ड आर्ट की ऑप्शन फिर आप जो यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर काम कैसे होता है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है आपने उसकी हेडिंग बनानी है और हेडिंग के अंदर आप डिफरेंट स्टाइल जो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वर्ड आर्ट को फिर यूज़ कर सकते हैं। और वर्ड आर्ट के अंदर क्या होता है कि आप जब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप फिर बाद में जो स्पेसिफिक टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो स्पेसिफिक टेक्स्ट उसी फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है जो वर्ड आर्ट आपने सिलेक्ट किया होता है। तो इस तरह आप ये इजीली काम जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर था ये हमारा यूनिट नंबर जो 9 था उसका टॉपिक वाइज लास्ट लेक्चर था, और यहाँ पे आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनफैक्ट यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 उसके टॉपिक्स वाइज जो लेक्चर थे वो एंड हो गए। यूनिट नंबर 9 के हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद फिर आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये तीनों यूनिट्स हैं वो एंड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इन तीन यूनिट्स के अंदर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपके बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर यूज़ होता है, बहुत जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है, आपके एग्जाम्स में इसके बारे में लास्ट वीक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने तीनों यूनिट्स में जो भी हमने पढ़ा था, जो लेक्चर्स हमने लिए, जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किए, आपने उनको अच्छी तरह रीड आउट करना है, अच्छी तरह समझना है, ताकि आप इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस अगर आए एग्जाम के अंदर तो आप उनका आंसर इजीली लिख सकें। क्योंकि अगर आप इन तीनों को अच्छी तरह नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, इसको आपने इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखना है। अगर अभी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल नहीं थी तो इन फ्यूचर जो है इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और डिफरेंट ऑप्शंस को डिफरेंट तरीके से यूज़ करें ताकि आपको आइडिया हो कि ये ऑप्शंस कैसे काम कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।